मैं हूँ मम्पी शकरपाल। वेलकम बैक टू एंजॉय टाइम कुकिंग में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लोग नया रेसिपी बनाएंगे और ये जो रेसिपी है फिश का रेसिपी है, क्योंकि ये जो सीजन है ना, तो आज जो फिश वाला हम लोग रेसिपी बनाएंगे उसी फिश का सीजन है। तो मानसून सीजन में जो अभी बारिश का सीजन फिश है ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, दूसरा कोई भी सीजन में नहीं मिलता है। तो जो लोग टूरिस्ट करके रखते हैं तो बस वही थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन महंगा बहुत ज्यादा है। इस सीजन बेटर है रेसिपी को बनाने के लिए। और ये जो फिश है तो ये बंगाल में बहुत ज्यादा चलते हैं, और इस फिश के बहुत टाइप का रेसिपी बनता है, वो भी बंगाल में बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। तो आज हम बनाएंगे बंगाली फिश का रेसिपी। आज का जो रेसिपी है उसका नाम है इलिश भापा। तो ये बंगाली डिश है और ये जो डिश है मेरा बहुत फेवरेट डिश है एक, तो मैं ऑब्वियसली मैं बंगाली हूँ तो इसके लिए ये जो डिश मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को, और तो चलिए चालू करते हैं आज का जो रेसिपी है। चलते हैं, आज दिखाएंगे इलिश का जो भापा है कैसे बनता है। देख सकते हैं मैंने फिश को कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से धो लिया हूँ। तो चलिए अभी दूसरा। सो गाइस, हमको चाहिए राई, हरा मिर्ची और चाहिए जीरा। तो इन सारे चीजों को हम लोग पेस्ट कर लेंगे। चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो देख सकते हैं पेस्ट हो गया। अभी इसमें हम लोग सॉल्ट, तो 2 टीस्पून सॉल्ट हम लोग इसमें डालेंगे। फिर डालेंगे हल्दी पाउडर, तो इसमें भी 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। चलिए हो गया हल्दी पाउडर। चल इन मसाला, फिर डालेंगे राई जो पेस्ट किया था, राई के साथ जीरा है और ग्रीन चिली है, तो ये भी 1/2 टेबल स्पून 2 टीस्पून। अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले हल्दी और नमक को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और ये जो फीस है इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से। सारे मसाला अच्छे से इसमें मिक्स कर लेने के बाद फिर हम लोग इसमें डालेंगे फॉर्च्यून का अच्छी घड़ी मस्टर्ड ऑयल। तो ये मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़रूरी है इसमें। तो चलिए इसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल फॉर्च्यून का 2 टेबल स्पून। तो 2 टेबल स्पून डालने के बाद इसको ऑयल से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि तो नया नया वीडियो आते रहेंगे और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा गलत हो गया तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको नहीं अच्छा लगे वो भी कमेंट में बताएं, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताएं। अभी मुझे एक स्टील का डिब्बा चाहिए, जो टिफिन बॉक्स होता है तो उस टाइप का डिब्बा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये भाप में होने वाला है तो स्टील का ही डिब्बा चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल हम लोग डाल के पूरा ग्रीस कर लेंगे। और अभी हम लोग जो फिश मसाला लगा के रखा था उसके अंदर डालेंगे, तो एक एक करके अच्छे से इसको रखेंगे। अभी इसमें डालेंगे 1/2 कप जैसे
वाटर, तो ये भी ज़रूरी है वाटर डालने का। थोड़ा सा डाला हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर अभी डालेंगे फॉर्चून कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, वो भी हाफ कप जैसा, तो ऑयल भी ज़्यादा चाहिए इसमें। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अभी डालेंगे ग्रीन चिली, ये मैं इसको काट के ऊपर डालेंगे। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाला है और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा है, तो इसके लिए मैंने ग्रीन चिली काट के इसमें डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें डालिए। तो इसको डालने के बाद इसको ढक्कन को अच्छे से इसमें लगाएंगे और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाप में इसको बिठाएंगे। तो मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें पानी दिया और टिफिन बॉक्स को इसमें अंदर लगाया। आप चाहे तो दूसरा बर्तन ले सकते हैं और भी अच्छा होगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसका हल क्या है। तो 30 मिनट तक इसको हम लोग पकाए। तो देखिए इसका ढक्कन खोला और इसका जो भाप देख सकते हैं, भाप भी बढ़िया है और इसका जो स्मेल है वो भी बहुत बढ़िया है। तो 30-35 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे, वो भी मीडियम फ्लेम में। रेडी टू कुक टुडे रेसिपी इलिश भापा। तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं एंड थैंक यू वेरी सो मच, आप मेरा वीडियो देखते हैं।